में सब्सक्राइब कीजिए हमारे बिना टेक चैनल को और दबाइए इस बेल आइकन को लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। तो हेलो एंड वेलकम गाइस, कैसे हैं आप लोग? ऊपर तुम अच्छे होंगे। आज की इस वीडियो में यार हम बात करने वाले हैं कि हमारा जो एटीएम का यार बैलेंस कटा था, ठीक है, उसको वहाँ पर मैं 1000 जो है, ठीक है, मैं एटीएम से बेसिकली यार पैसे निकाल रहा था, ठीक है, और इसी एटीएम जो मैंने पिन भी डाला, सब कुछ एक्सेप्ट भी कर लिया, एटीएम वर्किंग कंडीशन में था, ठीक है। लेकिन जैसे ही यार मैंने मेरा एटीएम जो पेमेंट है, पेमेंट अंडर प्रोसेसिंग था, यानी निकलने वाला है, जैसे मैंने इस यानी मशीन से जैसे ही पेमेंट हमारा निकलने वाला था, आवाज़ भी आ रही थी कट कट की, ठीक है, जैसे लिखा रहता है योर प्लीज़ वेट योर पेमेंट इज़ अंडर प्रोसेसिंग, ठीक है। तो जैसे ही मशीन यार पूरा एटीएम मतलब एटीएम मशीन शट डाउन हो गया, ठीक है, चाहे उसका यार चाहे इन्वर्टर ख़राब हो गया हो या फिर लाइट से चलता था, तो लाइट से कनेक्ट अगर होगा तो लाइट भी, लाइट तो नहीं गई थी यार वहाँ पर, मैं भी देखा था, ठीक है, वहाँ पर जिससे भी चल रहा था इन्वर्टर वगैरह से, या फिर एटीएम में कोई ख़राबी आ सकती है। हालांकि हमें यार पता चला कि बगल वाले ने बताया, गार्ड वगैरह वहाँ नहीं थे, ठीक है, तो बगल वाले भैया ने बताया, ठीक है, शॉप थी उनकी, तो वहाँ पर उन्होंने बताया कि ऐसा जो है तो कई लोगों के साथ हो चुका है दिन में, ठीक है, दिन में ऐसे 4-5 लोग 6 लोग दिन मतलब ऐसा इनके साथ होता है, यानी एटीएम में कुछ तकनीकी खराबी है, उसको सुधार नहीं किया जा रहा है, ठीक है। इसके बाद गाइस हमने कस्टमर केयर को कॉल किया, बैक साइड में एटीएम के पीछे आपका लिखा रहता है मेरा जो है, तो गाइस मैं यूनियन बैंक का था हमारा बैंक, और एटीएम हमारा यूनियन बैंक का था, और वहाँ पर मैं एटीएम से पैसा निकाला था, जो एटीएम था एटीएम मशीन थी वो एसबीआई की थी, ठीक है। तो मैंने गाइस कस्टमर केयर पे कॉल किया, जो बैक साइड में आपका कस्टमर केयर नंबर लिखा रहता है, तो आपका अगर ऐसा होता है यानी बैंक से मेरा पैसा कट गया बट निकला नहीं, ठीक है, तो फिर मैंने कॉल किया और वहाँ पर सब अकाउंट डिटेल्स और नेम वगैरह पूछा गया। रजिस्टर्ड मोबाइल से आप फ़ोन करेंगे कॉल करेंगे ज़्यादा बेटर रहेगा, हमने विदाउट रजिस्टर से किया था क्योंकि रजिस्टर्ड मोबाइल जो था हमारा जियो का, तो उसमें रिचार्ज नहीं था, ठीक है, मैंने एयरटेल का करवाया था, एयरटेल का जो था, अभी अच्छा नेटवर्क गाँव में आ रहा है, ठीक है, बेसिकली गाँव में एरिया में रहता हूँ विलेज में, ठीक है। तो हमने कस्टमर केयर पर कॉल किया तो उन्होंने कहा कि आप जो है तो आप 24 घंटे का वेट कीजिए, 24 आवर्स का आपका पैसा आपके खाते में आ जाएगा अकाउंट में, बट वहाँ पर गाइस 24 घंटे में भी नहीं आया। फिर मैंने कंप्लेन किया यार, और कंप्लेन किया कॉल करके वही कस्टमर केयर नंबर पे, ऐसे ऐसी स्थिति हमने बताया कि ठीक है कि मतलब मेरा ऐसा ऐसा हुआ है, तो फिर हमारी कंप्लेन रजिस्टर्ड की गई। आप गाइस कंप्लेन अगर 24 घंटे को रुकने के लिए बोलते हैं तो ठीक है, रुक लीजिए आ जाता है, ठीक है, नहीं तो कंप्लेन आपको रजिस्टर्ड करना है, कंप्लेन गाइस आपको 30 दिन के अंदर रजिस्टर्ड करना है, तभी आपको कुछ हो पाएगा, ठीक है। हालांकि ये शायद आ जाए अपने से भी, लेकिन आप कंप्लेन रजिस्टर्ड करते हैं, तो कंप्लेन मैंने रजिस्टर्ड किया गाइस, तो वेट 7 वर्किंग डेज, यानी अगर संडे मंडे छुट्टी वगैरह आपका बैंक का हॉलीडे नहीं है इंक्लूड मत कीजिए, 7 वर्किंग डेज में आपका पैसा जो है तो आपके अकाउंट में आ जाएगा, आ जाता है, ठीक है। मेरा भी यार गाइस लगभग 7-8 दिन हो गए थे, तो 7-8 दिनों में मिला के मतलब छुट्टी थी बैंक की, 1-2-3 दिन संडे था, तो मतलब कुल मिला के 6 ही दिन 5 ही दिन हुआ था, 5वें दिन मैंने दोबारा कॉल किया कि ऐसा ऐसा हुआ, तो वो बोली कि हाँ बैंक के हॉलीडे वगैरह और कुछ है संडे के अलावा भी, तो आप रुक लीजिए वेट कर लीजिए। तो गाइस मैंने वेट किया और 6वें ही दिन मेरा बैंक अकाउंट पैसा जो है रिफंड आ चुका गाइस, ठीक है। तो मैं यार एम पासबुक है यूनियन बैंक का, यू मोबाइल ऐप, तो उसमें मैं देखा, पहले तो मैं चेक किया रहा मैं जान पे बैलेंस है तो उसमें बता रहा था, ठीक है, तो फिर मैंने देखा पासबुक में क्या कैसे सिस्टम, तो वो सब एटीएम रेफरेंस नंबर वगैरह जो भी ट्रांजेक्शन नंबर तो उसी वही सेम था, ठीक है, तो जैसे ही कटा था। तो इस तरीके से गाइस ऐसा नहीं है कि आपका पैसा यार नहीं है मिलेगा, एटीएम कुछ ख़राब है कुछ भी हो जाए, हाँ एक फ्रॉड होता है आपके साथ तो वो अलग बात है, ठीक है। और इसमें बता दूँ आपको 30 दिनों के अंदर यार कंप्लेंट कर देनी है, नहीं तो फिर यार आपका फिर बैंक की जिम्मेदारी कोई नहीं बनती, ठीक है, रिस्पॉन्स आपको नहीं मिलेगा, इसलिए 30 दिनों के अंदर ही अंदर आपको कंप्लेन करनी है, ठीक है भाई। अगर आपका आ जाता है ठीक है, नहीं आता है तो यार आपका फिर और आगे आप देखिए, ठीक है, कंप्लेन कीजिए, ठीक है। तो ये सारी बातें हैं यार, अगर नहीं आता है आपको तो फिर बैंक को चार्ज कर देना पड़ता है, यानी पड़ेगा 100 रुपीज, कुछ उसके रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, ठीक है, आपको जो कि पता चल जाएंगे। सो गाइस इस तरीके से यार आपको एक बात मैं यार बता दूँ यार, आप एटीएम ट्रांजेक्शन करते वक्त आप चाहे छोटी अमाउंट का कर रहे हो, चाहे आप बड़ी ज़्यादा अमाउंट का कर रहे हैं, ठीक है, बड़ा अमाउंट हो आपका लाइक आपका 40,000 20,000, ठीक है, मैं तो वहाँ पर 1000 निकाला था ओनली, तो मेरा बहुत बड़ा अमाउंट नहीं था, ठीक है। तो वहाँ पर आप हमेशा ऐसे यार फ़ोन वीडियो मोबाइल फ़ोन ले रही और अपना कैमरा को ऑन रखिए, वीडियो बनाते रहिए, ठीक है, एटीएम और वीडियो को कट फिट मत करना है, ठीक है,
लगातार बनाते रहना और उसमें कट पिन मारना, तभी वो प्रूफ के लिए वैलिड होगा। अगर उसमें एडिटिंग वगैरह नहीं करना ठीक है, तो उसमें जो भी प्रॉब्लम होगी, आपको पैसे फंस जाते हैं या फिर कभी कभी कभार कटी फिटी नोटें मिलती हैं, जैसे 500 में यार एक बार 8,000 पर निकाला था, तो मेरी यार कॉर्नर में 500 रुपये की नोट बहुत ज़्यादा कटी थी, वो शायद ना चलती लेकिन फिर भी चल गई मान लो किसी वजह से ठीक है। तो इस तरीके से गाइस उस वक्त मैंने कैमरा नहीं चालू किया था, एक बार मैंने यार 8,000 आपका कितना 10,000 रुपये में निकाला था तो कैमरा चालू कर लिया था, लेकिन इस बार मैं 1,000 रुपये निकाला और 8,000 रुपये निकाला था इसी फ़ोन खरीदने के लिए। तो गाइस हमें जो है तो कैमरा हमने चालू नहीं किया था फ़ोन का, तो इस बात का आपको ध्यान रखना है यार, कोई दिक्कत नहीं लेनी, पैसे आपको बिल्कुल आ जाए हम निष्फिक्र रहे ठीक है। बाय, चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें यार, लेटेस्ट एजुकेशनल टेक्नोलॉजिकल वीडियोस देखने के लिए। थैंक यू।